तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है, ऐसा सवाल बार बार आता है हम लोगों के सामने कि रिलेशन बिटवीन वैल्यू ऑफ द एक्स यहाँ पे दिया हुआ, परसेंटेज एरर भी दिया हुआ है, तो परसेंटेज एरर एक्स में हमें निकालना है। देखो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100 परसेंटेज एरर इन एक्स, थ्री टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई 100 परसेंटेज एरर इन ए, प्लस थ्री टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई 100 परसेंटेज एरर इन बी, और डेल्टा सी अपॉन सी मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन सी, प्लस 1/2 और डेल्टा डी अपॉन डी मैक्सिम मल्टीप्लाइड बाई 100 परसेंटेज एरर इन डी। ठीक ना, हम सबको पता है ये डी का मतलब होता है अंडर रूट, डी का मतलब होता है डी की पावर 1/2, और ये ऊपर जाएगा तो 1/2 सामने आएगा, पावर खुद के सामने आ जाता है, हम सबको पता है। आई होप कि बहुत बेसिक सवाल है, आपको पता होगा। तो परसेंटेज एरर यहाँ पे देखो, वो टू में कितना परसेंट, ए में कितना परसेंट का एरर है, 2%, तो ये जाएगा 6%, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये 3% है तो यह आ जाएगा 3% बी में, प्लस सी में अगर यहाँ से तो सी में कितना है 3%, तो अगेन ये 3% हो जाएगा, और डी में अगर 4% है तो हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 2% हो जाएगा। ठीक ना, तो यह आ जाएगा देखो 6, 12 और 14% की मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ जाएगी। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन डी, दैट इज फोर ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सही है। थैंक यू।